Hello students, welcome back. This is your English subject and I am going to teach you about English grammar, which is in lesson number unit 2, birthday gift bought. Okay, now let's start. This is the rules of the present continuous tense. As you know that simple present tense, s or es lagana tha, right? Then after we come to the point present continuous tense. Present tense में हमने देखा था कि s अथवा es as according singular plural हम लगाते थे, right? इसमें भी कुछ ऐसी rules हैं, वो हम देखते हैं क्या है. Structure of sentence. Sentence का जो structure होता है कि सबसे पहले क्या आता है, subject आता है, right? Then हमारा helping verb आता है, देन वर्ब फॉर्म आता है, देन हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. कुछ इसी तरह मैंने आपका इसमें स्ट्रक्चर लिखा है. पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, एज यू नो दैट, मैं फिर से बताती हूँ. सब्जेक्ट यानी होता है कोई भी नेम पर्सन का हो, कोई भी थिंग का नेम हो, ओके, ही शी इट हो, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ओके. ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया जाता है. ही शी इट हो तो इज, आई हो तो एम, एंड प्लूरल फॉर्म में हो यू वी दे तो क्या लगाते हैं, आर, ओके. प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल मीन्स जो भी हमारा वर्ब फॉर्म होगा, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब में क्या करना है, आई एन जी फॉर्म करना है, ओके. तो वो इज एम आर के प्लस वर्ब फॉर्म में कनेक्ट करना है क्या, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी फिर हमारा वर्ड सेंटेंस में बचता है तो वो हमें यहाँ पर लिखना होता है. नाउ नेक्स्ट हमारा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक्सरसाइज वन. ही सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा आई एन जी फॉर्म, प्लेइंग, मैच हमारा ऑब्जेक्ट है. क्या है ये, ऑब्जेक्ट, ओके. They are going to Simla next week. Look at this example. They are going to. यानी यहाँ पर जो भी word है present continuous tense में, वो present time का continuous यानी running है. अभी वो sentence क्या बताता है आपको, कि वो running चल रहा है, timing like रहा है, रही है, रहे हैं, okay? She is always smiling. वो हमेशा smiling करती है. Now here, some are keywords. Keywords means, keywords जो present continuous sentence में हमें as a identification कुछ words मिलते हैं जिसे हम identify कर पाते हैं कि ये हमारा क्या है, present continuous tense है. Like that, कॉमन सिग्नल देता है कि ये सिग्नल क्या देता है, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. फर्स्ट वर्ड लिखा स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस डेज, लुक एंड लिसन. दीज आर द वर्ड्स विच आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके. नाउ कम टू द He, she, it. As you know that he, यानी boy के लिए she, for girls it, things or animals के लिए. Then उसके सामने जब ये he, she, it हो तो हम क्या उसका verb form, helping verb लगाते हैं, is. क्या लगाते हैं, is, okay, which is singular. Now as you know that I के साथ हमेशा क्या आता है, yes, am आता है, okay. I के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऑलवेज एम आता है. नेक्स्ट है हमारा यू वी दे. यू वी दे क्या है हमारे, प्लूरल. प्लूरल, प्लूरल किसे कहते हैं, प्लूरल मीन्स होता है एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात करना. नॉट ओनली फॉर वन पर्सन, इट इज कनेक्टेड विथ अदर पर्सन्स. हियर अवर यू वी दे हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा क्या होता है, आर, ओके.
I hope you all understood about these rules of present continuous tense. Okay? आपको फिर से मैं रिवाइज कर दूँ. स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मीन्स आई एन जी फॉर्म में लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट ही इज प्लेइंग मैच, दे आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग. कीवर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एज यू नो स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस डेज, लुक, लिसन, दिस आर द आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ही शी इट हो तो सिंगुलर, दैट मीन्स इज आएगा, आई के साथ एम, यू वी दे हो तो क्या आता है, हमारा प्लूरल है, दैट मीन्स इसमें आर आएगा. ओके, नाउ कम टू द अवर एक्सरसाइज. अगेन वी शो द सम रूल्स हियर. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट फर्स्ट ऑफ हियर क्या दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था क्या है, आई के साथ एस के यस नहीं लगता है, एज इट इज़ जो वर्ब फॉर्म हो रखना है, यू वी दे के साथ भी एस या यस नहीं लगता है, एज इट इज़ वर्ड रखना है. देन आफ्टर ही शी इट, दैट मीन्स दिस वर्ड आर सिंगुलर. तो व्हाट वी डू हियर, एस अदरवाइज यस लगता है. ओके, नाउ कम टू द अवर मेन एक्सरसाइज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विच आर फर्स्ट ईयर आई, एज यू नो दैट आई के साथ क्या आता है, यस, एम, और ब्रैकेट में अगर प्ले हो तो उसमें क्या लगाना है हमें, आई एन जी, प्लेइंग. ओके, आई के साथ एम, राइड हो तो राइड में आर आई डी ई, राइड की स्पेलिंग क्या होती है, आर आई डी ई. तो यहाँ पर हमें ई को कैंसल करके क्या लगाना है, आई एन जी, अंडरस्टूड, राइडिंग. देन आफ्टर आई एम स्विम का, स्विमिंग, यहाँ पर स्विम में एक एम होता है, बट जब हम इसको कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो डबल एम लगा रहे हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें लर्न करने हैं, आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड्स में हमें डबल लगाने हैं और ऐसे वर्ड्स में हमें ई हो तो ई को रिमूव करना है. ओके, नेक्स्ट यू वी दे, यू वी दे एज यू नो दैट क्या आएगा, ये प्लूरल है तो आर आएगा. ओके, और वर्ब फॉर्म्स में क्या आएगा, यस, आई एन जी. ओके, देन ही शी इट, दिस इज द सिंगुलर वर्ड. सब्जेक्ट हमारा क्या बता रहा है कि मैं सिंगुलर हूँ, सिंगुलर है तो वो क्या अपने साथ लगाएगा, यस, इज, क्या लगाएगा अपने साथ, is, and verb form as you know that ing. Now come to the our next, here are some rules as a present continuous tense. Some words like a first word is usually we add ing, usually normally hum ing jo use karte wo hai, jaise ki play hai to playing, jump hai to jumping, गो है तो गोइंग, सेल का सेलिंग, पुल का पुलिंग. यहाँ पे एज यूजुअल नॉर्मली आई एन जी लगाना था, वो लगा दिया, ये इजी वर्ड्स थे. नाउ नेक्स्ट जो हमारा दिया है यहाँ पे रूल्स क्या है, व्हेन द वर्ब एंड्स, व्हेन द वर्ब, वर्ब फॉर्म दिस टाइप, ओके, दिस कॉल्ड अ वर्ब, एंड्स इन ई, किससे एंड हो रहे हैं, यस, ई से सारे बैक साइड क्या लगा है, लास्ट वर्ड हमारा ई है, वी ड्रॉप द ई एंड एड आई एन जी, ड्रॉप कर देना, उसे छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना मीन्स छोड़ देना है, ई को रिमूव करना है और फिर हमें आई एन जी लगाना है. जैसे कि कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, स्माइल तो क्या होगा, स्माइलिंग, गिव तो क्या होगा, गिविंग, यहाँ देखिए ई रिमूव हो गया है, राइट ना, क्लोज, क्लोजिंग, हाइड, हाइडिंग, कम, कमिंग, राइट, राइटिंग, टेक, टेकिंग, राइज, राइजिंग. ओके, ये टू टाइप्स हमने देख लिए. अब हमारा थर्ड टाइप क्या है वो हम देखते हैं. हमारा थर्ड है, इन सम वर्ब्स वी डबल द लास्ट लेटर. हम क्या करते हैं, सम वर्ड्स में क्या करते हैं, वी डबल करते हैं, जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट लेटर जो होता है हमारा, लास्ट लेटर उसको हम डबल करते हैं. And then add ing, and then after क्या add करते हैं, ing. Look at this example, for sit,
सीट में एस आई टी ओनली वन टी होता है, बट जब हम उसको आई एन जी में कन्वर्ट करते हैं देन आफ्टर वी शो दैट एस आई डबल टी आई एन जी, राइट, एस आई डबल टी आई एन जी यहाँ पर हो रहा है. देन कट, तो सी यू टी कट होता है बट यहाँ पर सी यू डबल टी आई एन जी. शट, शटिंग. हॉप, हॉपिंग. रन, रनिंग. पुट, पुटिंग. स्टॉप, स्टॉपिंग. स्किप, स्किपिंग. हियर मैन जो है पी और टी, ओके, ये वर्ड में क्या मोस्ट ऑफ लगता है, डबल, ओके, डबल लेटर लगते हैं, ये याद रखना. और सारे ये वर्ड अपने लर्न करने के बाद हम एक्सरसाइज पर स्टार्ट करते हैं. हमारा एक्सरसाइज, एज यू नो दैट, मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल सिखाया. सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर फील करना है. देन आफ्टर जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स को हमें आई एन जी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब हमारा पूरा सेंटेंस जो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लेट्स स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल, राज एंड अंकित. हियर इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, बट वट इज हियर, हियर इज द टू नेम ऑफ द सब्जेक्ट. हियर टू नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट, राज एंड अंकित. अब यहाँ पर टू नेम होने के बावजूद हम इज नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर लगाएंगे, एज वी नो दैट. देन आफ्टर ई रिमूव किया, जैसा कि हमने रूल्स में ऊपर पढ़ा था, ई रिमूव किया, एंड देन व्हाट वी राइट हियर, आई एन जी, ओके. नेक्स्ट है लुक. मैंने ये आइडेंटिफाई में आपको वर्ड में बताया था लुक का, राइट. द रैबिट, रैबिट, एक रैबिट की बात है तो हम यहाँ लिखेंगे इज. हॉप है तो क्या होगा, हॉपिंग, राइट ना, ऊपर दिख रहा है आपको हॉप, दिस वन हॉपिंग, ओके. नेक्स्ट है हमारा द, यहाँ पर पूरा वर्ड क्या, लुक द रैबिट इज हॉपिंग इन द गार्डन. देखो वो जो रैबिट है वो गार्डन में हॉपिंग कर रहा है. हॉपिंग मीन्स जंप करना है ना, वो हॉपिंग करता है. द बॉयज डैश काइट्स, बॉयज क्या कर रहे हैं, द बॉयज फ्लाई, फ्लाई है बॉयज है, तो बॉयज है तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, यस आर, ओके. देन आफ्टर फ्लाई, फ्लाई में क्या लगेगा, आई एन जी, फ्लाइंग. द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, बॉयज क्या उड़ा रहे हैं, काइट्स उड़ा रहे हैं. वी डैश अंडर द ट्री, हियर वी इज द प्लूरल, दैट्स व्हाई व्हाट वी राइट हियर, यस आर. हियर इज द सीट, एज यू नो दैट, मैंने आपको बताया था सीट टी हो तो डबल टी आई एन जी, सीट है तो सिटिंग, सीटिंग, ओके. हम पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, ओके. किरण, किरण वन गर्ल है तो क्या लिखेंगे हम, यस सिंगुलर वर्ड में हेल्पिंग वर्ब इज, गिव का हो क्या हो जाएगा हमारा, गिविंग. ई है, ई हमने रिमूव किया, गिविंग, ओके. किरण इज गिविंग अस चॉकलेट, किरण हमको चॉकलेट दे रही है. यू डैश फास्ट, हियर रन, यू में क्या लगाना है, आर, यू के साथ आर लगेगा, रन का क्या हो जाएगा, रनिंग, ऊपर कराया था ना रन, रनिंग, ओके. रन डबल एन लगेगा एंड देन आई एन जी, रनिंग. नेक्स्ट है आई, आई के साथ एज यू नो दैट एम आता है. देन आफ्टर राइड जो वर्ड है, राइड, राइड में क्या आएगा, ई रिमूव कर देना है और आएगा राइडिंग, आई एम राइडिंग अ हॉर्स, मैं हॉर्स राइड कर रहा हूँ. मदर डैश द डोर, मदर है, वन मदर का यहाँ पे बात की गई है तो क्या आएगा इज एम आर में से, यस इज. एंड द शट है तो क्या होगा, शटिंग, क्या होगा, शटिंग,
यहाँ पर डबल टी लगेगा, शटिंग, ओके, शटिंग द डोर, मम्मी डोर शट कर रही है। दोज मेन, यहाँ पर मैन देखो, मैन में ये सिंगुलर प्लूरल ध्यान रखना होता है, यहाँ पर एम ए एन मैन होता है, यानी क्या होता है सिंगुलर, बट यहाँ पर एम ई एन ये प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा हमारा आर। दोज मैन आर, कट का क्या होगा कटिंग, राइट ना, तो इसमें भी क्या लगेगा डबल टी आई एन जी। वो आदमी क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। द एलिफेंट डैस अ बनाना इन हिज माउथ। एलिफेंट, एक ही एलिफेंट की बात की है, तो व्हाट वी राइट हियर इज एम आर, यस इज राइट। पुट है तो पुटिंग। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट ना। नेक्स्ट है हमारा अमर, अमर वन पर्सन है तो हम लगाएंगे यहाँ इज, हाइड है तो यस ई रिमूव करके हाइडिंग, ओके। नेक्स्ट है दे के साथ क्या लगेगा, एज यू नो दैट, यस आ गया ना सबको आर, मैक का होगा मैकिंग, ओके। इस तरह से ये 11 सेंटेंस बनाए, आगे के सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, इट्स वेरी इजी। आई के साथ क्या लगेगा, यस एम, देन आफ्टर जो हमारा ब्रैकेट है उसमें है गो, क्या है गो, तो गो का क्या होगा गोइंग, गो के पीछे आई एन जी लगा देना है, ओके, तो ये हो गया हमारा गोइंग। तारक इज अ सिंगुलर पर्सन, दैट मीन्स वी राइट हियर इज एंड व्हाट वी डू फॉर दिस वर्ब फॉर्म, वी रिमूव द ई एंड राइट हियर टैकिंग, ओके, गुड ना। देन आफ्टर दिस इज द वी, वी मीन्स प्लूरल, वी मीन्स प्लूरल, व्हाट वी राइट हियर, यस आर, देन राइट का क्या हो जाएगा राइटिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइटिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर द मंकीज, क्या है द मंकीज, मंकीज यहाँ पे मंकी नहीं है, मंकीज है, एस है, एस हमारा प्लूरल बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा आर, और जंप का होगा जंपिंग, आई एन जी लग जाएगा जंप के पीछे, ओके। देन आफ्टर हमारा 16 नंबर है दे है, यानी बहुत सारे पर्सन्स की यहाँ बात हुई है, आर आएगा, स्विम आएगा, स्विम में क्या आएगा आई एन जी ओनली लगाना है, यस नो, यस व्हाट वी राइट हियर डबल एम एंड देन आफ्टर आई एन जी, सिखाया था ना मैंने आपको वर्ब फॉर्म में इस तरह का एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पर आई है, आई के साथ एम आएगा, सेल है, सेलिंग आएगा, ओके, गुड ना। देन यू, यू के साथ आर आएगा, ओपन के साथ ओपनिंग, आई एन जी लगा देना है, ओके। देन आफ्टर आवर सब्जेक्ट इज रामू, रामू दैट मीन्स आवर सिंगुलर वर्ड, व्हाट वी राइट हियर, यस इज एंड देन क्लोज, क्लोजिंग, वर्ब फॉर्म क्लोज का क्या हो जाएगा ई रिमूव करके क्लोजिंग, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट आवर सेंटेंस इज सोनम डैस अ ड्रेस, हियर सोनम सिंगुलर है, गर्ल है, इज लगाया, देन आफ्टर व्हाट इज द वर्ब फॉर्म, वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म बाय दिया है, तो व्हाट वी राइट हियर, यस बाय का क्या करेंगे हम बाइंग, क्या करेंगे बाइंग, ओके। दिस इज अवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ओके, विच वी अंडरस्टूड वेरी वेल, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, इजी। नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट
सिंपल पास्ट टेंस. व्हाट इज दिस सिंपल पास्ट टेंस? एज यू नो दैट हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा. प्रेजेंट टेंस में भी फोर फॉर्म्स होते हैं, देन आफ्टर पास्ट टेंस में भी फोर फॉर्म्स होते हैं. उसमें से जो सिंपल पास्ट है ये फर्स्ट है. तो ये फर्स्ट जो रूल्स है कुछ यहाँ पर जो मैं आपको बताती हूँ. द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी और डी. व्हाट इज दिस सिंपल पास्ट टेंस में क्या किया है? वर्ब फॉर्म्स में आपको ईडी ऐड करना होता है, अदरवाइज डी ऐड करना होता है, राइट? ये हमारे रूल्स में आता है. ये पास्ट टेंस तब होगा. पास्ट यानी कोई समय जो बीत गया हो उसे हमें शो करने के लिए पास्ट टेंस यानी पास्ट वर्ड का यूज करना पड़ता है. नाउ लुक एट हियर, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस एज यू नो दैट जो भी वर्ड्स होते हैं ये हमारे एग्जैक्ट वर्ड है उसको हमने यहाँ प्रेजेंट टेंस में बनाया एस अथवा ई एस लगा के. ओके, लाइक दैट प्ले का प्लेज, शेल सेल्स, लाइक लाइक्स, क्लोज क्लोजिस, क्राई क्राइज, रिप्लाई रिप्लाइज. इस तरह से ये वर्ड्स हैं. नाउ सिंपल पास्ट टेंस, व्हाट वी डू हियर सिंपल पास्ट टेंस? एज यू नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. ओके, हियर इज द वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. हियर फर्स्ट इज प्ले. प्ले का क्या होगा? प्ले, यहाँ पे बोला है ना ईडी लगाना है, अदरवाइज डी लगाना है. तो यहाँ पर प्ले में क्या लगेगा? ईडी. सेल सेल्ड, लाइक यहाँ पे ई ऑलरेडी है तो ओनली डी लगेगी, लाइट. क्लोज क्लोज्ड, क्राई. वाई हो तो हम क्या करेंगे? वाई में वाई रिमूव करके आई लगाकर देन ईडी लगाते हैं. बट ऐसा यहाँ पर प्ले में नहीं होता है. कुछ ही वर्ड्स होंगे जिसमें वाई निकाल कर हमें क्या करना है? वाई रिमूव करना है, देन आई लगाकर ईडी शो करना है. ओके, लाइक हियर रिप्लाई. रिप्लाई में भी वाई है, वाई रिमूव किया हमने, क्या डाला? आई एंड देन ईडी. ओके, तो ये है पास्ट टेंस का रूल. द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ सम वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय डबलिंग द लास्ट लेटर एंड देन एडिंग. एज यू नो दैट मैंने आपको यहाँ पे डबलिंग वर्ड्स सिखाए थे ना ये सारे. ओके, इस तरह से यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स हैं जो डबलिंग है. ओके, तो ये डबलिंग वर्ड्स क्या है मैं दिखाती हूँ आपको. जैसे स्टॉप है, अब मुझे इसमें ईडी के डी लगाना है तो व्हाट वी डू? यस, डबल टी करूंगी मैं. क्या करूंगी? लास्ट वर्ड डबल टी एंड देन ईडी. देन आफ्टर स्किप तो क्या करूंगी? स्किप में डबल टी देन आफ्टर ईडी. ड्रॉप तो क्या होगा? ड्रॉप्ड. ओके, डबल टी ईडी. क्लैप क्या होगा? सी एल ए डबल पी ई डी, क्लैप्ड. लुक एट हियर, दिस वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि पी हो और क्या हो? टी हो. ये दो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, लास्ट लेटर होते हैं वर्ब फॉर्म में, इसमें ऑलवेज क्या लगता है? डबल पी, अदरवाइज डबल टी. ओके, कुछ वर्ड्स हैं हम ध्यान रखेंगे और इसके आगे का जो एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, तब तक के लिए बाय बाय.